नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लासेज में मैं हिंदी का प्रचारक विकास कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे हम भाषा की। भाषा पर हमने भाषा के प्रकार, भाषा की परिभाषा व हिंदी दिवस, हिंदी से संबंधित विशेष बातें कर ली थी। ये हमारी भाषा प्रकरण पर तीसरी क्लास है। इस कक्षा में हम भाषा की उत्पत्ति करेंगे। तो पहला प्रकार देख रहे हैं हम भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तीन सिद्धांत है, तीन मत है। एक तो है भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति, एक है भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति और एक भाषा की राजनीतिक उत्पत्ति। राजनीतिक उत्पत्ति का मतलब है संवैधानिक स्थिति या संवैधानिक उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति। भाषा की ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक से बना है यह शब्द, ऐतिहासिक उत्पत्ति। भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति। अब ये तो हमें पता है कि हिंदी भाषा है वो संस्कृत से निकल कर आई है। संस्कृत से कैसे निकली है, संस्कृत से किस प्रकार निकली है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले भाषा है ये शंकर भगवान है उनके डमरू से उच्चारित हुई थी, यानी पहली बार पृथ्वी पर ध्वनि है ये भगवान शंकर है उसके डमरू से उच्चारित हुई थी। वहां से निकले थे महेश्वर सूत्र जिन्हें प्रत्याहार भी कहते हैं हम संस्कृत में। तो संस्कृत है वो, संस्कृत भाषा है वो भगवान शंकर है उनके डमरू से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण संस्कृत को जगत जननी भाषा कहते हैं। सबसे पहले संस्कृत इस संसार के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर जो पहली भाषा थी वो थी संस्कृत। भगवान शंकर है उनके डबरू से उच्चारित हुई थी तो संस्कृत है, उसको जगत जननी भाषा कहते हैं। और सबसे पहले इसको आर्य लोगों ने अपनाया तो इसका एक नाम है आर्य भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत के दो नाम हो गए, जगत जननी भाषा और आर्य भाषा। अब संस्कृत है इसका सबसे पहला रूप है वो था वैदिक संस्कृत है वो थी सन 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, ये वैदिक संस्कृत है। उसकी समयावधि 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। सबसे पहले संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत थी, मतलब बोलचाल की संस्कृत नहीं थी। इसे वैदिक संस्कृत है, इसे साहित्यिक संस्कृत भी कहा जाता है। यानी केवल साहित्य के अंदर इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। वैदिक संस्कृत का साहित्य के अंदर प्रयोग किया जाता था। तो इसमें कौन कौन से दो ग्रंथ लिखे गए, वेदों की रचना इसी भाषा में, किसमें, यानी संस्कृत भाषा के अंदर वेदों की रचना हुई। तो इस भाषा की रक्षा के लिए किसकी रचना की गई, वेदांगों की रचना हुई। अब ये बोलचाल की भाषा नहीं थी,
बोलचाल की नहीं थी तो कौन सी थी? साहित्यिक संस्कृत थी, केवल संस्कृत। साहित्य में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। वेदों की रचना है, जो चारों वेद हैं उन वेदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई, और इस भाषा की रक्षा के लिए वेदांगों की रचना हुई। अब बोलचाल की नहीं थी तो ये प्रसार नहीं कर सकी, आगे नहीं बढ़ सकी। कहां तक सीमित हो गई? केवल साहित्य में ही सीमित हो गई, केवल साहित्य में ही सीमित हो गई। उसके बाद दूसरी जो संस्कृत थी, दूसरी संस्कृत थी, उसने प्रसार पाया, उसने वृद्धि पाई। उसका नाम क्या था? दूसरी जो संस्कृत भाषा आती है, वैदिक संस्कृत है। उसके बाद आई थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद दूसरी आई थी लौकिक संस्कृत। लौकिक है संस्कृत, इसकी समय अवधि थी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। यानी वैदिक संस्कृत थी, उसके बाद कौन सी आई? लौकिक संस्कृत, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। अब ये लौकिक संस्कृत यानी लोगों की संस्कृत थी, तो ये बोलचाल की भाषा थी। वो कौन सी थी? साहित्यिक संस्कृत थी, ये बोलचाल की भाषा थी। अब जो संस्कृत भाषा मूल रूप से संस्कृत, इसे मतलब लौकिक संस्कृत को ही कहते हैं। वैदिक संस्कृत है वो मूल संस्कृत नहीं थी, साहित्यिक संस्कृत थी, और इसे इसे संस्कृत कहा जाने लगा। संस्कृत कहा जाने लगा। अब ये बोलचाल की भाषा थी तो ये ज्यादा वृद्धि पाई, इसने इसने ज्यादा ग्रोथ की, इसने उन्नति की, तो ये भाषा आगे चलेगी। वैदिक संस्कृत वहीं पर समाप्त हो गई, किसमें? वेदों तक सीमित रहेगी, संस्कृत साहित्य तक सीमित रहेगी। और ये बोलचाल की भाषा थी, बोलचाल में विचार प्रकट करने में आर्य लोग हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते थे, तो इसे ही संस्कृत कहा जाने लगा। और ये मध्यकाल तक आते आते मध्यकाल में इस भाषा से कौन सी भाषा से? लौकिक संस्कृत है, इससे इस भाषा से पाली भाषा निकली। पाली भाषा निकली। अब 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक पूर्व तो लौकिक संस्कृत का प्रचलन रहा। फिर लौकिक संस्कृत से एक और भाषा, कौन सी भाषा? पाली भाषा निकल गई। तो लौकिक संस्कृत है उसी का भाग कौन सा है? पहला प्रकार। कौन सा? लौकिक संस्कृत का पहला प्रकार कौन सा? पाली भाषा। तो नेक्स्ट भाषा आएगी हमारी, वो आएगी पाली। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत उससे निकली थी पाली, पाली भाषा। वो 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व, फिर लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और ये 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी। 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी कौन सी? पाली। पाली है ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, इसे बौद्ध भाषा भी कहा जाता है। बुद्ध प्लस है, बुद्ध से उत्पन्न बौद्ध भाषा भी कहा गया। बौद्ध धर्म की भाषा कौन थी? कौन सी थी? पाली भाषा। इसे बौद्ध भाषा भी कहा गया। और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई। ये इसकी मुख्य दो बातें हैं। बौद्ध धर्म की भाषा है तो कौन सी थी? पाली। पाली का जो समय सीमा है वो थी 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी, यानी 500 वर्षों तक ये प्रचलित रही। त्रिपिटक ग्रंथ है उनकी भी रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में हुई। उसके बाद पाली भाषा है वो 500 वर्षों के बाद, 500 वर्ष चलने के बाद पाली भाषा है वो लुप्त हो गई, और उसकी जगह दूसरी आ गई प्राकृत भाषा। कौन सी आ गई? प्राकृत भाषा। ऐतिहासिक उत्पत्ति मतलब सबसे पहले
महेश्वरी सूत्र, महेश्वरी सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले। उसके बाद महेश्वरी सूत्र है उनसे निकली थी वैदिक संस्कृत जो साहित्यिक संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत मतलब बोलचाल की भाषा, फिर लौकिक संस्कृत है उसी में से बोलचाल की भाषा निकल गई पाली, और पाली से कौन सी निकल रही है, प्राकृत भाषा निकल रही है, पाली से प्राकृत भाषा निकल रही है। तो प्राकृत भाषा है, इसका सन है पहली ईस्वी से पहले ईस्वी पूर्व था, अब पहली ईस्वी से 500 ईस्वी इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, कौन सी, यह जैन धर्म की भाषा थी, जैन धर्म की भाषा थी, यानी जितना भी जैन साहित्य है, जैन साहित्य वो कौन सी भाषा में लिखा गया, जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखा गया, जैन साहित्य प्राकृत भाषा के अंदर लिखा गया। फिर प्राकृत से आगे अपभ्रंश, कौन सी भाषा आ गई, अपभ्रंश, ये थी 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ये ध्यान रखना अपभ्रंश भाषा है, ये थी 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, या इसको बोल सकते हैं छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन सी है, अपभ्रंश भाषा के अंदर ऐ और औ स्वर, ऐ और औ स्वर है ये नहीं मिलते, इनका प्रयोग इस भाषा के अंदर नहीं, ऐ और औ स्वर नहीं मिलते, ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुके हैं। स्वरों की संख्या कितनी थी, किसमें, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, तो कुल 11 थे, दो नहीं मिलते, कुल 11 हैं अब वर्तमान में, दो नहीं मिलते थे ऐ और औ, तो सही उत्तर हो जाएगा नौ। या कौन से दो स्वर है जिनका प्रयोग अपभ्रंश भाषा में प्रचलित नहीं था, तो भी उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऐ और ये अपभ्रंश थी। कहां से कहां तक चली है ध्यान रखना, 500 से 1100 ईस्वी तक चली है, 500 से 1100 ईस्वी तक, यानी छठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक चली है। उसके बाद अंत के, यानी कुल 600 साल हैं, कुल 600 साल है, उन 600 सालों में से अंत के 2 साल है वहां इसने अपना रूप बदल दिया, यह आगे चलकर यानी 400 साल तक चली थी, 500 से लेकर 900 तक, फिर 900 से लेकर 1100 तक अंतिम 200 वर्ष है वो ये अवट कहलाने लगी, यह आगे चलकर अवट कहलाने लगी, आगे इसका नाम क्या हो गया, अवट। अवट फिर कहां से कहां तक, 900 से लेकर 1100 तक, उसके बाद कौन सी भाषा आती है, अवट, अवट भाषा है वो चली थी 900 से लेकर 1100 तक, तो आगे मैं लिख रहा हूं अवट, आगे कौन सी भाषा आएगी, अवट, अवट, पाली, पहली पाली, दूसरी प्राकृत, तीसरी अपभ्रंश और चौथी अवट। अगर सन पूछे तो है 900 से लेकर 1100 तक, यानी है तो अपभ्रंश ही, लेकिन नाम इसका क्या हो गया अंतिम 200 सालों में, अवट, अवट हो गया। इसकी विशेष बात एक है, कौन सी थी, आगे आएगी पुरानी हिंदी, आगे पांचवी कौन सी आएगी, पुरानी हिंदी, उससे पहले तीसरी कौन सी थी, अपभ्रंश, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच में कौन सी आ गई, अवट, तो इसको अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अपभ्रंश व पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी, पुरानी हिंदी व अपभ्रंश के बीच की कड़ी, पुरानी हिंदी वह अपभ्रंश के बीच की कड़ी किस भाषा को कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है।
ये थी अपभ्रंश भाषा। हम आ गए कहां तक, 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक। यहाँ एक ही प्रश्न है, अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? अवट को कहा जाता है, अवट को कहा जाता है। उसके बाद पांचवी आ जाएगी पुरानी हिंदी, इसका सन था 1100 से लेकर 1400 तक, 1100 से लेकर 1400 तक। कौन सी भाषा है? पुरानी हिंदी। 1100 से लेकर 1400 तक पुरानी हिंदी, फिर 1400 से लेकर छठा प्रकार मध्यकाल या मध्यकालीन हिंदी, ये थी 1400 से लेकर 1850 1850 तक। ये कौन सी भाषा हो जाएगी? मध्यकालीन हिंदी 1850 तक, और फिर 1850 से लेकर आधुनिक हिंदी। सातवीं कौन सी आ जाएगी? सातवीं साथ में कौन सी आ जाएगी? आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी ये थी 1400 से लेकर 1850 तक आ गए हम। अब है 1850 से लेकर आज तक, वर्तमान तक कौन सी चल रही है? आधुनिक हिंदी। हमें बताया 1850 के अंदर महावीर प्रसाद आए थे, उन्होंने वर्तनी के नियम शिथिल किए, खड़ी बोली को अपनाया, तो उन्होंने क्या किए थे? नियम स्थिर कर दिए हिंदी वर्तनी के, व्याकरण के नियम भी स्थायी कर दिए, और कहलाने लगी वो आधुनिक हिंदी। तो ये है आधुनिक हिंदी। ये थी हिंदी की, हिंदी भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, पहले किस प्रकार हुई है, एक क्रम में देखते हैं। पहले थी वैदिक, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। उसके बाद कौन सी? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी आई? पाली। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद, यानी अपभ्रंश को ही का क्या कहने लग गए आगे चलकर? अवट। अवट के बाद प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी ये है इसका विकास क्रम। ऐतिहासिक उत्पत्ति किस प्रकार हुई? अब हमने क्या किया था, भगवान शंकर है उसके डमरू से संस्कृत की उत्पत्ति करवाई, फिर संस्कृत से हमने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत से हमने किसकी उत्पत्ति करवाई? पाली की। पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और वर्तमान हिंदी। वर्तमान हिंदी ये है इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति। दो बातें ध्यान रखना इनमें, महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो अपभ्रंश के अंदर ऐ और औ का प्रयोग नहीं होता था। दो स्वर कौन से? ऐ और औ, इन स्वरों का प्रयोग नहीं होता था। एक बात तो ये याद रखना महत्वपूर्ण। और दूसरी क्या है? अवट है उसको, अवट है उसको अपभ्रंश व पुरानी हिंदी, प्राचीन हिंदी है उसके बीच की कड़ी कहा जाता है। ये हो गई इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति। अब है भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति। भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति दूसरा प्रकार कर रहे हैं हम। भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति दूसरा प्रकार है भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति। अब भौगोलिक उत्पत्ति मतलब क्षेत्रों के अंदर इसने किस प्रकार विकास किया है, भारत की जो भूगोल है, भारत का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर इसने किस प्रकार विकास किया है, ये क्या कहलाएगी? भारत की भौगोलिक उत्पत्ति। भारत की भौगोलिक उत्पत्ति अब देखते हैं। भारत हिंदी भाषा है, भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति।
हिंदी है, उसकी पांच उपभाषाएं हैं, पांच हिंदी है उसकी पांच उपभाषा है और उसकी 18 बोलियां हैं और 10 राज्यों में उच्चारित है, 10 राज्यों के अंदर उच्चारित है। पांच तो उपभाषाएं हिंदी की, पांच तो उपभाषाएं, 18 हिंदी की बोलियां हैं और 10 राज्यों में उच्चारित है। पांच उपभाषाएं कौन सी है, उनकी 18 बोलियां कौन सी है, कौन सी बोली किस उपभाषा की है तथा वो 10 राज्य कौन से हैं, इस प्रकरण में हम भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति में हम इतनी बातें करेंगे। पांच उपभाषाएं कौन सी है हिंदी की, उन पांच उपभाषाओं की कुल 18 बोलियां हैं तो कौन सी बोली किस उपभाषा की है, किस उपभाषा की है और कौन कौन से राज्यों के अंदर हिंदी है वो उच्चारित होती है। तो सबसे पहली उपभाषा कर रहे हैं हम सबसे पहली उपभाषा कर रहे हैं, उपभाषा का नाम है पूर्वी हिंदी। पहली है पूर्वी हिंदी, ये तो है उपभाषा, यानी पांच है उनमें से कौन सी है पूर्वी हिंदी और ये किससे निकली है, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, हमने किया था कि अपभ्रंश भाषा है तो ये अपभ्रंश भाषा है, उसके भी बहुत प्रकार हो गए तो ये कौन सी अपभ्रंश से निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। पहली है पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से और इसकी बोलियां जो 18 थी उन 18 में से इसकी कितनी है बोलियां, 3, अवधी अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और जो 18 बोलियां हैं उनमें से 3 बोली इसकी है, किसकी है पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। प्रश्न इस प्रकार आता है, निम्न में से पूर्वी हिंदी है वो किससे निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, शौर सैनी अपभ्रंश से या खस से, तो सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी किससे निकली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, तो कौन सी है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी है, या इस प्रकार भी घुमाकर पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है, तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी, सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पहली थी पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तो ये निकली है शौर सैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी किससे निकली है, शौर सैनी अपभ्रंश से, सारी अपभ्रंश से ही निकली है, ये कौन सी है किससे निकली है शौर सैनी अपभ्रंश से, शौर सैनी अपभ्रंश से। उत्पत्ति किससे हुई है, पश्चिमी हिंदी की पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से और पश्चिमी हिंदी की शौर सैनी अपभ्रंश से और इसकी बोलियां, इसकी बोलियां कौन कौन सी है, कितनी बोलियां, 3 इसकी आ गई, 3 तो इसकी आ गई और 5 इसकी, 5 और 1 6 इसकी आ जाएगी, 6 इसकी आ जाएगी। पहली है इसकी बोली खड़ी बोली, खड़ी बोली। एक है हरियाणवी, एक है ब्रिज, खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रिज कन्नौजी, कन्नौजी। एक है बुंदेली और एक है दक्षिणी या दक्षिणी, दक्षिणी या इसको दक्षिणी भी बोलते हैं, दक्षिणी मतलब दक्षिणी भी बोलते हैं इसको। तो ये 6 बोलियां किसकी हो गई,
ये छह बोलियां होगी पश्चिमी हिंदी की। दो उपभाषा आ गई हमारे पास पांचों में से, पहली और दूसरी, और 18 बोलियों में से हमारे पास है तीन और छह, नौ नौ बोलियां आ गई। 18 में से नौ आ गई और पांच में से दो आ गए। बात कर रहे हैं हम भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति की। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी बोलियां हैं। उसके बाद पश्चिमी हिंदी है, ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, शौरसेन खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज, कनौजी, बुंदेली और दक्षिणी यानी दक्षिणी इसकी बोलियां हैं। अब करते हैं हम तीसरी उपभाषा, तीसरी उपभाषा जिसका नाम है, तीसरी का राजस्थानी, तीसरी का नाम है राजस्थानी। राजस्थानी किससे निकली है, यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से, यह भी किससे निकली है, शौरसेनी अपभ्रंश से, यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और इसकी जो बोलियां हैं, बोलियां वो है चार। बोलियां कितनी हैं, चार। एक तो है मालवी, एक है मेवाती, एक है मारवाड़ी, एक है मारवाड़ी और एक है ढूंढाड़ी। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी ये इसकी बोलियां हैं। राजस्थानी है ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, यानी जिस भाषा से पश्चिमी हिंदी निकली थी उसी से राजस्थानी निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। और इसकी बोलियों की संख्या कितनी है, चार। कौन कौन सी है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। तीन मेंबर है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और एक ढूंढाड़ी है। यहां से प्रश्न आने के ज्यादा चांस है, कारण कि ये राजस्थान की है और राजस्थान की कंपटीशन है, उनमें यहीं से एक प्रश्न बन सकता है और बहुत बार बना भी है। तीन उपभाषाएं होगी पांच में से, तीन उपभाषाएं होगी और 18 बोलियों में से कितनी होगी, छह एक कर ली हमने, तीन एक कर ली, छह तीन नौ, नौ और चार तेरह, नौ और चार तेरह, करनी कितनी है 18 और उपभाषा कितनी करनी है पांच। नेक्स्ट यानी चौथी, चौथी है वो हो जाएगी पहाड़ी। चौथी का नाम क्या है, पहाड़ी, पहाड़ी बोली, पहाड़ी भाषा। ये निकली है खस से, किससे निकली है, खस से, पहाड़ी है ये, किससे निकली है, खस से। और इसकी बोलियां हैं पहाड़ी की वो है दो, कुमायुनी और गढ़वाली। बोलियां, बोलियां एक तो है कुमायुनी और एक है गढ़वाली, एक है कुमायुनी और एक है गढ़वाली, ये इसकी दो बोलियां हैं। और नाम क्या है उपभाषा का, पहाड़ी। निकली किसी है खस से, किससे, खस से। अब हम पांचवी उपभाषा, पांचवी उपभाषा और अंतिम उपभाषा कर रहे हैं जिसका नाम है बिहारी, जिसका नाम है पांचवी का बिहारी। बिहारी पूर्वी हिंदी है, वो तो निकली थी अर्धमागधी अपभ्रंश से और बिहारी निकली है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी नहीं, मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, किससे निकली है, मागधी अपभ्रंश से। और इसकी बोलियां हैं, बोलियां तीन, कौन कौन सी, एक तो है भोजपुरी, एक है मगही, भोजपुरी मगही और एक है मैथिली, भोजपुरी मगही और मैथिली, भोजपुरी मगही और मैथिली। ये हो गई भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति। कितनी भाषाएं, पांच, पांच कौन कौन सी,
पांच कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये तो पांच हो गई इसकी उपभाषाएं। और इसकी 18 बोलियां कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी कितनी? तीन। उसके बाद की थी हमने पश्चिमी हिंदी की हरियाणवी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रिज, बुंदेली, कनौजी और दक्षिणी। कितनी हो गई? छह। उसके बाद हमने तीसरी की थी राजस्थानी, उसकी की थी चार। कौन कौन सी? राजस्थानी की चार, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो वो कितनी होगी? चार। उसके बाद हमने की थी पहाड़ी, पहाड़ी की हमने की थी कितनी? दो। कौन कौन सी? कुमायूनी और गढ़वाली। और उसके बाद हमने की है बिहारी, बिहारी की कितनी की है? तीन। भोजपुरी, मगही और मैथिली, इसकी कितनी होगी? तीन। तो पांच, तो एक दो तीन चार पांच, तो हमारे पास क्या होगी? उपभाषाएं। पांच तो उपभाषा हो गई, और उसकी बोलियां कितनी करनी है हमको? 18। छह और तीन नौ, नौ और चार 13, 14 15, 15 और तीन 18। ये हो गई 18 बोलियां। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पार्ट है, हर बार कंपटीशन में प्रश्न आता है। हिंदी की पांच उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी है? 18 बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं? कौन सी बोली किस उपभाषा की है? कौन सी बोली किस उपभाषा की है? ये तो हो गई हमारी पांच उपभाषाएं, पांच उपभाषाएं और 18 बोलियों की, किस में? भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति में, भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति में। अब हमने बात कर रहे थे 10 राज्य, कितने राज्यों में बोली जाती है हिंदी? 10 राज्यों के अंदर। तो वो 10 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? संख्या तो याद रखना, राज्य कितने हैं? 10 राज्य कितने हैं? 10। और कौन कौन से हैं? तो वो राज्य मैं लिख देता हूं। प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा राज्य हिंदी भाषी है या कौन सा राज्य हिंदी भाषी नहीं है? 10 राज्य हैं, वो लिख रहा हूं मैं। 10 राज्य, पहला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दूसरा उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड भी बोलते हैं। तीसरा उत्तर प्रदेश। चौथा राजस्थान। पांचवा मध्य प्रदेश। छठा दिल्ली। सातवां हरियाणा। आठवां बिहार। नौवां झारखंड। और दसवां, दसवां छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 10 राज्य हैं, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या पूछे तो 10, कौन कौन से हैं? तो निम्न है, ये 10 राज्य हैं, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। हिंदी यानी राजभाषा है, उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं हम। उत्पत्ति में हमने दो सिद्धांत कर लिए, कौन कौन से? भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति और भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति। तीसरा है भाषा की संवैधानिक यानी राजनीतिक उत्पत्ति। इसमें हम संवैधानिक और राजनीतिक उत्पत्ति है, इसमें हम 8वीं अनुसूची देखेंगे कितनी भाषा है। उसके बाद 17वां भाग देखेंगे, उसके बाद अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक,
343 में क्या है, 44 में क्या है, यानी 51 तक उनके अंदर क्या वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं हम कर चुके, मातृभाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। पांच है हमारे पास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा जो भारत की कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। तो पांच है हमारे पास शब्दावलियां, पहली है राष्ट्रभाषा, फिर है राजभाषा, फिर भाषा, फिर मातृभाषा और फिर बोली। इनके बारे में अध्ययन करेंगे और जैसे ही हम भाषा की राजनीतिक यानी संवैधानिक उत्पत्ति करेंगे, राजनीतिक यानी संवैधानिक उत्पत्ति करेंगे, वैसे ही हमारा पहला अध्याय भाषा अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम आज क्लास बड़ी होगी तो कल की क्लास में हम भाषा है उसकी संवैधानिक और राजनीतिक उत्पत्तियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।